हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास नो डाउट, ये कई लोगों ने बोला सर एक बार शेड्यूल और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी करवा दो तो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नो डाउट बहुत छोटा सा पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि इसके लिए प्रॉपर एक अलग से क्लास लगानी पड़े, बट नो डाउट बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं जिन्होंने पहली बार तैयारी शुरू की है, तो ये टॉपिक वैसे तो हमको थोड़ा पहले ले लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम लोग ये टॉपिक अभी ले लेते हैं। अभी कोई ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ एक क्लास हम लोग आगे गए हैं, पर ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, हमारे शेड्यूल्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डाली गई है, हमारे पार्ट्स किस तरीके से डिवाइडेड है, एक बार अगर ये समझ लिया। और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई किया है और उनको लिखा है साथ साथ कि कौन सा आर्टिकल किस शेड्यूल के साथ कहां पर एसोसिएट है। आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने यहां पर दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से नोट डाउन किया, उनको अच्छे से लिख लिया, उनको अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो 100% है आपको पॉलिटी में इतनी ही चीजों को अच्छे से कवर करना है। अगर ये चीजें अच्छे से कवर कर ली तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका ऑलमोस्ट मोर देन 80% चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको पता ही होगा पहले शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, अब कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। पार्ट्स की अगर बात करें तो शुरुआत में कितने थे, ये थे हमारे 22, जो अब हो गए कितने, 25। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल्स अराउंड हमारे पास 395 थे, ठीक है, जो कि अब बढ़ के अराउंड 470 हो चुके हैं। अब ये हो कैसे गए, तो कई पार्ट्स के, कई आर्टिकल्स के, कई शेड्यूल्स के, क्या मतलब शेड्यूल तो अलग अलग बने, पार्ट्स में भी क्या हुआ है, उनका डिवीजन होता चला गया, नई नई चीजें उसमें ऐड होती चली गई। तो जैसे जैसे नई नई चीजें ऐड हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पे क्लॉजेस ऐड हो रहे थे, तो क्लॉज ऐड होते होते क्या यहाँ पर अब इतने हमारे पास आर्टिकल हो चुके हैं। बट आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बेसिकली हम लोग 395 ही बोलते हैं, 12 शेड्यूल्स बोलते हैं और 25 पार्ट्स बोलते हैं, यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे हुई थी, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स एंड आर्टिकल्स थे, वो चीजें आपको फिर समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे शुरू करते हैं फाइनली आज की क्लास को, पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियोस पर अब बहुत कम रीच आ रही है, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, बहुत कम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है। मैं चाहता हूं प्लीज आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी हमसे आकर जुड़ सकें, वो लोग भी हमारे वीडियोस को देख सकें, इंजॉय कर सकें। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। हर एक स्टूडेंट के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिफेंस की तैयारी करो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी क्लासेस हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले आपको पता ही चलिए, जो मैंने आपको बताया कि टोटल 8 हमारे कितने थे शेड्यूल थे, अब कितने हो गए, टोटल 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। फाइनली यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में। जो भी हमारे स्टेट्स एंड यूटीज बताए गए हैं उनको यहाँ पर बताया गया, उनका नाम यहाँ पे क्लियर किया गया। अभी मैं ये चीज और ज्यादा क्लियर कर दूं, आगे जाकर आप पढ़ोगे तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्ट्स में हम लोगों को डिसाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट डी में तो आता था अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, पार्ट सी में आते थे कमिश्नरी एरियाज, पार्ट बी में आते थे प्रिंसली स्टेट्स और पार्ट ए में आते थे ब्रिटिश प्रोविजेंसीज। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ब्रिटिश प्रोविजेंसीज, ठीक है, पार्ट बी में आते थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, पार्ट सी में आते थे हमारे कौन से, कमिश्नरी एरियाज, जो गवर्न होते थे डायरेक्टली केसी कमिश्नर के थ्रू, कमिश्नरी एरियाज, ठीक है, और पार्ट डी आते थे हमारे आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे सीधे अंडमान एंड निकोबार कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो यहाँ पर क्या, ये चीजें एक्सप्लेन की गई थी शुरुआत में, धीरे धीरे जब यहाँ पर अमेंडमेंट हुए तो इनको क्या एज अ स्टेट यहाँ पर, एज अ यूटीज यहाँ पर डाला गया। तो वो जो डाली गई चीजें वो कहाँ पे डाली गई, शेड्यूल 1 में डाली गई। ये चीज क्लियर हो गई। तो शेड्यूल 1 में हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, फिर हर एक पर्टिकुलर स्टेट का क्या एरिया है, कहाँ से कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज है, इन सबको भी क्या किया गया यहाँ पर डिफाइन किया गया। आप लोगों को याद होगा आर्टिकल 1 आर्टिकल 4 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये जो यहाँ पे दिया गया ये आर्टिकल्स लिखे हैं आपके, ठीक है। अब जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा या पढ़ा रहा था
तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो पुराने बच्चे उनको तो पढ़ा रखा है और जो नए बच्चे आएंगे उनको पता चलेगा। तो आर्टिकल 1 आर्टिकल 4 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये चीज आती है, जब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के थ्रू किसी भी स्टेट में अगर चेंज होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग होगा। तो शेड्यूल 1 आपको समझ में आ गया, शेड्यूल 1 में नेम नेम ऑफ स्टेट, यूटीज, टेरिटरीज, उनके एरियाज को डिफाइन किया जाता है, कोई नया स्टेट होगा तो उसको ऐड किया जाएगा, उसका नाम डाला जाएगा। तो ये चीजें सारी की सारी कहां पर, पार्ट 1 के, शेड्यूल 1 के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है क्या, सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल किसके बारे में बता रहा है, सेकेंड शेड्यूल बता रहा है अलाउंसेस प्रिविलेजेस के बारे में, मतलब कि जो भी सैलरी भत्ते होते हैं, जो भी वेजेस मिलते हैं, किस किस को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो भी स्टेट के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं उनको, लोकसभा और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के, ठीक है, इसके अलावा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन। अब राज्यसभा का चेयरमैन बोल रहा है या, तो कौन होगा ये, नो डाउट सीधे सीधे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चेयरमैन ऑफ, हाँ ठीक है ये तो हो गया। फिर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडिया, मतलब जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की क्या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधानसभा और विधानमंडल की बात हो रही है यहां पर, सीधे सीधे बोला जाए क्या, विधानसभा एंड विधानमंडल, इनके जो भी डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर्स हैं उनकी भी, और जो चेयरमैन है उनकी भी यहाँ पर क्या सैलरी एंड वेजेस को डिसाइड किया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, एक तरह से बोला जाए क्या गवर्नमेंट सीए, भारत सरकार का चार्टर अकाउंटेंट एक तरह से। क्लियर, बात समझ में आ गई सब लोगों को क्या मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इन लोगों की सैलरी और अलाउंसेस को यहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। यहाँ पे आर्टिकल कौन कौन सा है, 59 है, 65 है, ठीक है, 75 है, 97 है, 125, ये मतलब 125 मतलब किसके बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट, 148 फिर ये हाई कोर्ट वाला आ जाता है, ठीक है, 158, 164, 182, 148 सॉरी ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वाला एंड 121। तो यहाँ पे सभी लोगों को क्या किया गया, डिफाइन किया गया, उनकी सैलरी अलाउंसेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया और उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं आपके। तो आपको ये भी पता चल गया कि शेड्यूल 2 में किस किस के बारे में बात की गई, किन किन के अलाउंसेस के बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पे आता है क्या थर्ड, थर्ड किसके आ रहा है, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में आ रहा है, किसके बारे में आ रहा है, ओथ एंड अफर्मेशन। कोई भी व्यक्ति जब किसी पद पर बैठता है या किसी पद को ग्रहण करता है तो वो क्या करता है, ओथ लेता है। तो वो जो ओथ ले रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये है इनके आर्टिकल्स। ठीक है, किस किस के ओथ को बताया गया यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ को बताया गया, ठीक है, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एमपीज की, ठीक है, कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनकी, कैग की ओथ को, स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी ओथ को बताया गया यहाँ पे। ठीक है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी बताया गया, मतलब जो स्टेट में जो राज्य विधानसभा विधानमंडल की जो इलेक्शंस होते हैं उनके थ्रू जो मेंबर्स आते हैं उनकी ओथ को, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो इन सब की ओथ को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, ठीक, और इनके लिए आर्टिकल कौन कौन से वो भी आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हो। देखो बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करना हो, रट्टा मारना हो, ठीक है, यही चीजें बस याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। फिर आता है यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 4, यहाँ पे पीछे भी बताया था कि अगर आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज होता है तो वो आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है वो कौन से शेड्यूल, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80 के, ठीक है। एलोकेशन ऑफ स्टेट्स सीट्स फॉर राज्यसभा, अपर हाउस जो होता है हमारा पार्लियामेंट का, उसमें जो सीट्स का एलोकेशन होता है कि किसी राज्य को कितनी सीट्स मिलेंगी, कहां पर बताया गया, वो यहीं पे बताया गया, ठीक है, इसमें फोर्थ शेड्यूल है। फिर आता है यहाँ पर कौन सा, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल क्या, प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में जो भी चीजें होती हैं उन सबको कहाँ पे डाला गया, यहाँ पर डाला गया कि उनके प्रोविजन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अलग से यहाँ पर क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या अलग से शेड्यूल में रखा गया। और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आता है, 244 आर्टिकल आता है। अब ये तो हो गए शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, ये हो गए पूरे एरिया के, पर जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी कंडीशन अलग है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज है उनको यहाँ पे अलग से आइडेंटिफाई किया गया, कहाँ कहाँ का। तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज इन अ स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है इनको अलग से क्या किया गया, यहाँ पे
आइडेंटिफाई किया गया, अलग से उनको प्रावधान दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे? आर्टिकल 244 एंड 275। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं कमेंट में ही आप लोगों को आंसर कर दूंगा। प्लीज जितना हो सकता है आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट में ही आप लोगों को यहाँ पे आंसर कर दूंगा। कोई दिक्कत, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं समझा सकता हूँ आराम से उतना आराम से समझाऊं। ये टॉपिक कोई बहुत ज्यादा बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर आपको अलग से लगना पड़े, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आसान हो सकता है शब्द वो आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। फिर आता है यहाँ पे सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल की बात करें तो ये डील करता है कौन से डिविजन्स की पावर को, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में जो पावर का डिविजन होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना डिवीजन की बात कर रहा है पावर्स की, कि हर एक किसी को एक, फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपकी माता पिता, तो आपके फादर के पास कुछ अलग पावर्स होंगी, आपकी मदर के पास कुछ अलग पावर होंगी। तो ये पावर का डिवीजन है। तो मम्मी घर के मामलों में क्या करती है, डिसीजन लेती है, पापा घर के बाहर के मामलों में डिसीजन लेते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है इसको, कि दोनों की पावर्स अलग अलग डिसाइड करती है ताकि बैलेंस बना रहे, तो इसी बैलेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यूटीज की बात करते हैं तो हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ पावर्स होंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां पर स्टेट और यूटी दोनों को पावर बराबर दी जाती है, बट जो यूनियन मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूटी बोल रहा हूँ मैं सॉरी, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है या यूनियन जो लिस्ट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे बोले, उसके हाथ में पावर थोड़ी ज्यादा होती है। स्टेट गवर्नमेंट के कंपेरिजन में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, थोड़ा अपर हैंड में रहती है, कि डिसीजन मेकिंग पावर उसी के हाथ में रहेगी। तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं 97 सब्जेक्ट्स, जो अब बढ़कर हो गए कितने 100। तो प्रेजेंट ये हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुराने 97 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स आते हैं, इन 66 में से अब कितने रह गए, 61 रह गए हैं। फिर आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे आते हैं 47, और 47 से अब कितने हो गए हैं, तो अभी हो गए 52। ये कितने हो गए 52। ध्यान रखना स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी चेंज होता है, कुछ भी होता है, ऊपर नीचे कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे राज्यसभा की परमिशन जरूरी हो जाती है। जो हमारी राज्यसभा है, ध्यान रखना जो हमारी राज्यसभा है उसकी परमिशन यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपको स्टेट लिस्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करना है, बात करनी है, तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल आता है यहाँ पर 246, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। पावर के डिवीजन को लेकर यहाँ पे बात कहाँ पे हो रही है, आर्टिकल 246 में हो रही है। तो 246 में अगर कुछ भी होगा तो उसके उस टाइम पर क्या ध्यान रखा जाएगा, कि हाँ सेवन शेड्यूल में क्या बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से। फिर आता है यहाँ पे एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल यहाँ पे आता है लैंग्वेज को लेकर, तो नो डाउट इंडिया में टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता होगी 22 लैंग्वेजेस। आपको पता है लैंग्वेजेस कहाँ पर दी गई हैं, आर्टिकल 344 से लेकर 351 के बीच दी गई हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, असम बंगाली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मिथिला नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिल तेलुगु एंड उर्दू। तो ये सीक्वेंस वाइज मतलब ये अल्फाबेटिकली लिखी गई हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सिंधी ऐड हुई थी, कौन सी हुई थी, 21st अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। कब हुई थी, 21st अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। अब आपको ये बताने 21st अमेंडमेंट कब हुआ था, जल्दी से बताओ। जितने लोग यहाँ पे आंसर कर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों के आंसर को मैं पर्सनली यहाँ पे रिस्पॉन्स करूँ, पर्सनली उनको मैसेज करूँ, मतलब पर्सनली मैसेज मतलब कि कमेंट में ही उनको मैसेज करके बताऊंगा कि उनका आंसर सही है या नहीं है। चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे 21st अमेंडमेंट कब हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। अब इतनी देर में जितने लोगों को बताना होगा बता दिया होगा आंसर, क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर, 1967। नेक्स्ट कौन सा है, 71st अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट कब हुआ है बताओ, ये तो बहुत आसान है, 1992। और 92nd अमेंडमेंट कब हुआ है, जल्दी से 92nd अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट पता चलेगा 1992, 92nd अमेंडमेंट मतलब 92 का अमेंडमेंट कब हुआ है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। लास्ट अमेंडमेंट लैंग्वेज को लेकर कौन सा हुआ था, 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। देखो तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ये अमेंडमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किसके टाइम पर आया था, किसके ने कौन से अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया है। तो सिंधी यहाँ पे पता चल गया,
ठीक है, 22nd अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट में ऐड हुआ है 1967। उसके बाद कोंकणी मणिपुरी या नेपाली ऐड हुई है कब, 1992 में 71st अमेंडमेंट। उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली और संथाली ऐड हुई है कब, 92nd अमेंडमेंट 2003 में। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी जरूरी है। ये अमेंडमेंट देखो, मैं जितना जब भी पढ़ा रहा हूँ मैं हर बार इंपॉर्टेंट केसेस और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में बार बार बताता हूँ, हर एक जगह पर जहां जहां आ रहा है वहां वहां एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। तो प्लीज जितने अमेंडमेंट है, जितने इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उनको यहाँ पर लिख लो, अलग से याद कर लो, लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये चीज जब भी, जब तक एग्जाम दोगे लाइफ में, तब तक ये चीजें हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगी, टकराएंगी आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात यहाँ पे 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट के रूप में इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सर्टेन क्लॉजेस थे जिनको यहाँ पर क्या किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। तो कब हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, 1951 में हुआ था। अभी मैंने वर्ड बोला भी था 1951 में, इसी के द्वारा यहाँ पे क्या 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इससे पहले तक हमारे पास जो शेड्यूल्स थे वो कितने थे, केवल और केवल 8 शेड्यूल थे। तो ये हमारा 9th शेड्यूल सबसे पहले ही 1951 में ऐड किया गया, सबसे पहले ध्यान रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट यही था हमारा। इसमें किया क्या गया है, तो इसमें किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ पावर्स को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है कि उसमें कुछ कानूनी या न्यायिक जांच को से बचाने का जो उल्लंघन के तरीके होते हैं उनको यहाँ पे चेंज किया जाए। जो लैंड रिफॉर्म वाली कंडीशन होती है, एबॉलिशमेंट जो होता है, जमींदारी सिस्टम जो था, इन सबको एबॉलिश करने के लिए रखा गया। अदरवाइज यहाँ पे नो डाउट अगर आप लोग देखोगे तो शुरुआत में जो हमारा प्रॉपर्टी राइट्स था वो किस तरीके का था, एक फंडामेंटल राइट की तरह से था। तो इसीलिए यहाँ पर इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि इन चीजों को यहाँ पे क्या किया गया, अमेंड किया गया है। तो ये एक्चुअल में किसके, आपसे इतना इनडेप्थ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट है, और दूसरा ये पूछेगा किसके लिए। तो सर्टेन एक्ट्स एंड रूल फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, वैसे बहुत सारी चीजें थी पर यहाँ पर ध्यान रखना, डील विद द लैंड रिफॉर्म, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आई। यहाँ पे मेजरली जो आपसे पूछेगा वो यही चीज पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा भी एग्जामिनर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो भी न्यायिक समीक्षा होती है, पुनर्वलोकन होता है, उसको लेकर यहाँ पे बात रखी गई है, वो आया है बाद में 2007 में, उसको ऐड किया गया था। खैर अब बढ़ते हैं आगे, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल कौन सा, एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल विरोधी। तो कई बार क्या होता था, लोग अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चुनाव जीत गए, फिर तीसरी पार्टी में, तो इस तरह से करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, बार बार इलेक्शन होते थे, लोग अपनी सीट जीतने के बाद फिर किसी और पार्टी में चले जाते थे, दूसरी पार्टी मजबूत हो जाती थी, ये पार्टी कमजोर हो जाती थी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है, कब, 1985 में, ठीक है। तो इसे बोला गया जाता है दल बदल विरोधी कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। किसके लिए था, तो जो भी लेजिस्लेचर स्टेट में या फिर जो भी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, ठीक है, उनके लिए होता था, एमपी एंड एमएलए के लिए ये चीज होती थी। यहाँ पर कौन सा एक्ट लगता है, तो यहाँ पे आर्टिकल आता है 102 एंड 191, ध्यान रखिएगा। एक है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और एक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। फिर आता है हमारा यहाँ पर कौन सा, 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल बहुत फेमस है, सबको याद रहने चाहिए। किसके बारे में, ये है पंचायत के बारे में, और यहाँ पे बात करें तो ये म्यूनिसिपालिटीज बॉडीज के बारे में। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे पावर्स डिसाइड की गई है, पंचायत के पास जो पावर होंगी वो 29 सब्जेक्ट्स होंगी, ठीक है। और 12th शेड्यूल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट्स है म्यूनिसिपालिटीज के पास वो 18 विषय है, ठीक है, 18 सब्जेक्ट्स हैं। इनका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, सबको पता है कि पंचायती राज का पूरा जो आर्टिकल है पार्ट 9 के अंतर्गत किस में आता है, 243 में आता है, 243G और ये 243W में आता है, क्लियर। यहाँ पे इनकी पावर्स और एरियाज को डिफाइन किया गया, वर्क एरियाज क्या होंगे, पावर क्या होंगी। तो इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया, बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो चुकी हैं बेटा सबको। अगर किसी को भी एक जरा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आता है हमारा पार्ट्स के बारे में। जब हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब यहाँ पे 8 शेड्यूल एंड 12 वो 22 पार्ट्स थे। अब कितने हैं, 22 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। अब 25 पार्ट्स हैं तो कैसे कैसे पार्ट्स यहाँ पे आए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, पर पार्ट्स बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके।
ठीक है, पर यहां पर आपको सारे के सारे पार्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको याद रखना है, क्योंकि ये जो आर्टिकल पार्ट नंबर और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कई बार ही आता है, मैथ्स दी फॉलोइंग करके कई बार आ जाता है। खैर देखते हैं, तो सबसे पहले पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक आता है हमारा, जहां पे यूनियन और उसकी टेरिटरीज को लेकर एक्सप्लेनेशन दिया गया। फिर आता है पार्ट टू सिटीजनशिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, परंतु हाँ इसका आर्टिकल 9, 10 और 11 अच्छे से पढ़ना है। सिटीजनशिप को लेकर है, इंडिया में सिटीजनशिप किस तरीके की है, सिंगल सिटीजनशिप है, ध्यान रखना ये चीज। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं वो 14 से 32 तक पढ़ते हैं। कहां तक पढ़ते हैं, 32 तक पढ़ते हैं, ज्यादातर हम लोग यही पढ़ते हैं 14 से 32 तक। बाकी ऊपर नीचे के जो दो दो बचे हुए हैं उनको उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सारी चीजें। फिर आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट फोर, पार्ट फोर में बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है ये। कहां से कहां तक आता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। यहां पे बात समझ लो क्या है, पहले हम लोग ने डिसाइड किया क्या ये हमारा घर की टेरिटरी है आर्टिकल पार्ट वन के अकॉर्डिंग, फिर इसमें लोगों इस टेरिटरी में इस घर में इस मकान में रहने वाले लोगों को हमने डिफाइन किया, मतलब कि सिटीजन को डिफाइन किया कौन कौन लोग रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या इस घर में रहने वाले लोगों के राइट्स क्या क्या उनको डिफाइन किया, फंडामेंटल राइट्स। फिर हमने क्या किया ये बताया कि इस घर का जो मालिक है उसके लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, ड्यूटीज क्या है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में स्टेट्स की पॉलिसीज है, स्टेट्स की ड्यूटीज है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए क्या करेगा। तो ये केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, यहां पर इससे पता चलता है कि भैया हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारा जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है हमारे प्रति, हमारे लिए वो क्या क्या काम करेंगे। तो वो कहां से पता चलता है, यहीं से पता चलता है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई कुछ ड्यूटीज लोगों की भी है, अगर आप किसी टेरिटरी में कहीं पर रह रहे हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज रहती है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में रह रहे हो, ये आपका घर है, अब इस घर में आपकी कुछ ड्यूटी है कि आपको अपना कमरा साफ करना है, आपको मम्मी के साथ किचन में हेल्प करवानी है, आपको पापा के साथ मार्केट में जाना है, आपको और चीजों में हेल्प करवानी है, आपको घर में और कामों में लगना है, अपने भाई बहनों को पढ़ाना है। तो ये सारी क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता, आप अपनी मम्मी की हेल्प करवाते हो, पापा की हेल्प करते हो, छोटे भाई बहन को पढ़ाते हो, क्या उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, नहीं मिलता। आप अपने घर में साफ सफाई करते हो, क्या उसके बदले आपको पैसा मिलता है, नहीं मिलता। पर यहां पर क्या है, आपको उसके बावजूद भी फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करना है, फॉलो करना होता है। आपने नहीं किया कोई बात नहीं, मम्मी पापा थोड़ा सा डांटेंगे धमकाएंगे, मगर आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते कोई बड़ी। सेम बिल्कुल वैसे यहां पर भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग है। फंडामेंटल राइट्स ये हक की बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपका अपना स्वभाव होना चाहिए कि हाँ देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, मैं देश के लिए क्या करूंगा या करूंगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमको ये बताती हैं। यहाँ पे आपको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, बट स्टिल ये चीजें करनी जरूरी है। और मेरे लिए मतलब मैं अगर ईमानदारी से बोलूं, अगर आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पनिशमेंट दे सकते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी पनिशमेंट देनी जरूरी है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आप देश की किसी विषय वस्तु सामान को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो बिल्कुल आपके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पनिशमेंट यहां पर जरूरी है बहुत, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। फिर आता है हमारा पार्ट फाइव, पार्ट फाइव अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आता है, जहां पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहां पे आ जाता है हमारा कौन सा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 52 से 78। फिर आता है हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, जिसमें हमारा पीएम साहब आते हैं, पीएम के अलावा हमारा लोकसभा राज्यसभा आता है हमारा, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं और इनसे जुड़े हुए जितने भी क्लॉजेज हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति जो है हमारा, जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर क्या है, तो यहाँ पे पावर को बताया गया आर्टिकल 123, एक तरह से बोला जाए तो ऑर्डिनेंस पावर की यहाँ पे बात हो रही है कि लेजिस्लेचर को लेकर क्या पावर रहती है। तो ऑर्डिनेंस जो जारी किया था आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, वही चीज यहाँ पे आ रही है कि 123 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकता है जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को से 6 महीने के लिए इम्पोज कर सकता है, डाल सकता है। फिर आता है यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी बोले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, आर्टिकल 124 से लेकर 143 तक, क्लियर। फिर आता है यहाँ पे सीएजी, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है,
कैग की जब यहाँ पे बात करें तो कैग कहाँ पे आता है हमारा, तो कैग आता है 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा, क्या क्या इसके काम होंगे, ये सारी चीजें यहीं पर क्या की गई है, डिफाइन की गई है। आई होप यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी पार्ट फाइव कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट कहां से कहां तक दे रखा है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक दे रखा है। कहां तक दे रखा है, 237 तक दे रखा है। जब हम लोग यहाँ पे 237 तक की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में मतलब कि स्टेट्स क्या है, यहाँ पे गवर्नर आएगा जो इसको कंट्रोल करेगा, ये सारी एक बेसिक मतलब बोला जाए तो एक तरह से उसको डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे आता है एग्जीक्यूटिव, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 153 से लेकर 167। फिर आता है यहाँ पर कौन सा, स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि जो भी वहां की विधानसभा या विधानमंडल है वो चीज आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है 6 राज्यों में हम लोग यहाँ पे क्या विधानमंडल को यूज करते हैं, विधान परिषद और विधानसभा दोनों चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं वो देखने को मिलता है, पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए विधानसभा एंड विधान परिषद या मंडल, जो भी आप कहना चाहो, मंडल बोल देंगे एक साथ आ जाएंगे सब, बट यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद की बात की जाती है, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। फिर आता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जैसे वहां पर आपने को देखने को मिला क्या ऑर्डिनेंस पावर, ठीक बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, गवर्नर के पास भी अपनी एक ऑर्डिनेंस पावर है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट से लेकर क्या क्या उसके काम होंगे, किस तरह से वहां के जजेस को हटाया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है 214 से लेकर 232 तक। फिर आता है यहाँ पर कौन सा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो जो आपके जिले में इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, जो आपके सेक्शनल कोर्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, लोक अदालतें जो आती हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बात आ जाती है, कहां से कहां तक, 233 से लेकर 237 तक। फिर आता है हमारा सेवंथ, सेवंथ जो पार्ट है हमारा, ये एक्चुअल में पार्ट बी जो हम मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग शेड्यूल्स देख रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट ए बी सी डी इस तरीके से क्या स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, तो यहाँ पे पार्ट बी को लेकर यहाँ पे क्या उसको डिलीट कर देगा, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो उस पूरे के पूरे जो लिस्टिंग थी पार्ट ए बी सी डी उसको खत्म कर दिया गया, और इसको खत्म कब किया गया, सेवंथ अमेंडमेंट 1956। तो ये हुआ क्या, अब था ये आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाता है एक, ठीक है, जिसे हम लोग फजल अली आयोग कहते हैं, फजल अली कमीशन या फजल अली कमेटी जो भी आप बोलना चाहो। इस कमेटी के बाद ये कब बनी थी, ये एक्चुअल में बनी थी 1953, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट प्रेजेंट करने के बाद 1956 में हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, रीस्टेट्स को, जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के उनको दोबारा से रीस्टेब्लिश करेंगे सारी स्टेट्स को, तो ये क्या कर दिया गया, पूरी तरह से रिपेल कर दिया गया, जिसमें आर्टिकल 238 भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, रिपेल मतलब एक तरह से बोला जाए तो डिलीट ही कर दिया है, अब ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे हमको ये भी पता चलता था कि हम लोग किस तरीके से आजाद हुए थे, गुलाम थे। देखो यहाँ पर मैंने लिस्ट दे भी रखी है, आई होप आप लोगों को ये चीज दिख रही होगी अच्छे से, क्या दिख पा रही है ये चीज अच्छे से, पार्ट ए बी सी डी, देखो मैंने तीनों लिस्टें यहाँ पे डाल रखी है ना आप लोगों के लिए डाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस के थ्रू आए थे, इलेक्टेड मेंबर्स जो थे इलेक्शन के द्वारा, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, ठीक है, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। फिर प्रिंसली स्टेट जो थे इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, भोपाल वाला जो रीजन था, ठीक है, मैसूर, पटियाला, ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे हम मैंने आपको बताया भी था, पिप्सू एक कहा जाता है, तो यही है वो पिप्सू, जिसमें हरियाणा और हिमाचल वाला रीजन भी ऐड हो जाता है और पटियाला वाला पार्ट ऐड होता है पंजाब के साथ, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड त्रावणकोर, कोचिन। फिर आता है पार्ट सी, जिसमें कि कमिश्नरी रीजन आते हैं या कमिश्नर्स यहाँ पे लीड करते हैं, यहाँ पे आते हैं कौन कौन से, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। फिर आता है यहाँ पे पार्ट डी, पार्ट डी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार टेरिटरीज को यहाँ पे क्या किया गया, डाला गया था। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर क्या ये जो सिस्टम था, ये जो डिवीजन था पार्ट ए बी सी डी, इन सबको यहाँ पे समाप्त किया गया, और समाप्त करके
इंडिविजुअल कंप्लीट स्टेट फॉर्मेशन यहां पर कर दी गई थी। फिर आता है यहाँ पे पार्ट एट, पार्ट एट की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब कि हमारे यूटीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ कितने लोग यहाँ पर जानते हैं, कितने यूटीज हैं अभी प्रेजेंट में इंडिया में, जल्दी से बताओ कितने यूटीज हैं, चलो जल्दी से बताओ कितने यूटीज हैं इंडिया के, फिर तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक आप लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हो। इतनी सारी चीजें बताता हूँ, कुछ आंसर तो तुम लोग भी दो भाई, कितने यूटीज हैं प्रेजेंट में। फिर आता है यहाँ पे पंचायत, पंचायत की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आता है। म्यूनसिपालिटीज भी इसी पार्ट 9 का ही हिस्सा है, इसमें आता है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे 9th बी, जो 9th का ही ये क्या है पार्ट है, तो यहाँ पे आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ पे आता है 243 जेड एस से लेकर जेड टी तक आता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, लार्जेस्ट आर्टिकल। अगर कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से पूछ लेना, मैं यहाँ पे कमेंट करके ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली, ताकि हम लोग का टाइम ज्यादा क्लास में ना जाए, इस तरह से वेस्ट ना हो। फिर आता है यहाँ पे कौन सा पार्ट 10, पार्ट 10 की बात करें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज वाला, ध्यान रखना ठीक है। कहां से कहां तक आता है, 244 से लेकर 244 ए तक आता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी था जब हम लोग पार्ट 5 और पार्ट सॉरी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात करते थे, तो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 आर्टिकल याद रखो। देखो यही चीजें होती हैं, चीजों को आपस में लिंक करोगे आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, याद रहेगी ये बात, मैंने क्या बताई आपको यहाँ पे सारी कहानी, उसी तरीके से चलो चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। फिर आता है यहाँ पर 10th के बाद 11th पार्ट आता है, जब 11th की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, मतलब एक लेजिस्लेटिव रिलेशन है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिवीजन आपको देखने को मिल गया, टोटल कितने कहां से कहां तक है, 245 से लेकर 263 तक है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो 245 से लेकर 255 तक है, और दूसरा है 256 से लेकर 263 तक। उम्मीद करता हूं चीजें याद हो रही होंगी, बेटा जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बता दो, सारी चीजें फैक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं जो फैक्ट से अलग है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट हैं, आपको याद करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको लिंक कर रहा हूं जगह जगह पर चीजें बता रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड कर देता हूं, वो क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में वो चीजें बनती रहें, ठीक है। जब भी आप दोबारा इसे पढ़ोगे रिकॉल करोगे तो आपके माइंड में वो सारी बातें आ जाएंगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा हमेशा, वीडियो को तो आप जितना चाहे उतना रिवाइंड करके देखो, है ना। फिर आता है यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, अच्छा हाँ मैंने बता दिया सॉरी। अब आता है यहाँ पे 12th की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 12th में क्या, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, मतलब एक तरह से बोला जाए यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज और कॉन्ट्रैक्ट सूट्स के बारे में बात हो रही है। प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट वहां पे हमारा आ रहा था, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स में पहले प्रॉपर्टीज थी, उसको रिपेल किया गया, और रिपेल करके कहां पे डाला गया, 300A में डाला गया। देखो यहां पे चीजें लिंक कर लो अब आप, ठीक है। तो खैर आर्टिकल कहां से आता है, 264 से लेकर आता है 300A तक। फाइनेंस की जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहां से आते हैं, 264 से लेकर 291 तक आते हैं। बॉरोइंग के जो पार्ट्स आते हैं वो 292 से लेकर 293 तक आते हैं। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स लाइबिलिटीज, ठीक है, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, इनके बारे में जो दिया गया वो आर्टिकल 294 से लेकर 300 तक दिया गया है। जो भी जितने फाइनेंशियल जो होते हैं ना डिसीजंस होते हैं कंपनी के, इसके उसके ओनर के, वो सारी बातें यहीं पर आती हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो बाद में ऐड किया गया था, कब ऐड किया गया, चलो जल्दी से बताओ, अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे डाला गया, जल्दी से बताओ कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी को यहां पे डाला गया है, जल्दी से बताओ बेटा आंसर करो, क्या करोगे आंसर, बोलो 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 क्या करोगे आंसर, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा सब लोगों को, जल्दी से बताओ। फिर यहां पे आता है कौन सा हमारा
14th पार्ट, 14th के बारे में बात करें तो 14th पार्ट एक्चुअल में किससे रिलेटेड है, यूनियन स्टेट मतलब यूनियन एंड स्टेट्स के सर्विसेज से के अंतर्गत आता है। अब सर्विसेज की बात हो रही है, इसका मतलब जो आपका यूपीएससी है, जो आपका एग्जाम ले रहा है सीएपीएफ का, डिफेंस का, यूपीएससी वाला जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वो सब इसमें आता है। और इसके अलावा जो स्टेट में आपका पीसीएस वाले एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो एग्जाम होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत होते हैं। कोई स्टेट चाहे तो ज्वाइंट भी अपना कर सकता है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। अब यहां पे आता है क्या, सर्विसेज को ऐड किया गया कहां से कहां तक, 308 से लेकर 314 तक। फिर यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के हैं, स्टेट को कहां पे डाला गया है, 315 से लेकर 323 तक डाला गया। फिर यहां पे आता है ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 14A। ट्रिब्यूनल्स क्या है, ट्रिब्यूनल्स एक्चुअल में तो जो भी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल जो लॉ प्रोसेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक। फिर आता है यहाँ पे 15th, 15th की बात करें तो यहाँ पे आता है इलेक्शन कमीशन हमारा। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करता है, पार्टियों को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा, पार्टियां इलेक्शन किस तरह से करेंगी, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इन सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है, 324 से लेकर 329A तक। क्लियर, प्रेसिडेंट से लेकर पंचायत तक के सारे इलेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। वो बात अलग है, यहाँ पे संस्था अलग अलग हो जाएगी, एक जगह हो जाएगी स्टेट इलेक्शन, एक जगह हो जाएगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होंगे, पर वो काम एक्चुअल में इसी लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, यहीं से करते हैं। फिर आता है यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस को लेकर बात आ रही है, कहाँ पे, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। किसके बारे में बात हो रही है, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सर्टेन क्लासेस के बारे में, तो सर्टेन क्लासेस बोले तो आर्टिकल 16 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले जो एरियाज होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, अब तो खैर एंग्लो इंडियंस की सीट्स खत्म कर दी, पर एंग्लो इंडियंस जो आते थे वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ आई आपको। तो जितने भी शेड्यूल ट्राइब होते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं SC ST, ठीक है, और जो पिछड़ा वर्ग होता है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एंड इसके अलावा क्या एंग्लो इंडियंस, ये सब के सब क्या है यहां पे रखे जाते थे। अब ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्लियर है, इनके जो आयोग बनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीजें यहां से मिलती हैं हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आता है कौन सा 17th पार्ट, 17th पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहां से कहां तक दे रखा है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दे रखा है, 343 से लेकर 351 तक दे रखा है। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ यूनियन आता है, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट की क्या लैंग्वेज रहेगी, तो आर्टिकल 343 से लेकर 344 तक। फिर आता है यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज 345 से लेकर 347 तक। फिर आता है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वो यहीं से आती है, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश है। फिर हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो इंग्लिश है। इसके अलावा वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो भी वहां पे यूज की जाएगी, मतलब जो स्टेट लैंग्वेज होगी वहां की वो भी वहां पे इस्तेमाल की जा सकती है। अनफॉर्चुनेट कंडीशन, कितनी शर्म की बात है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ना बिल्कुल एक तरह से बोला जाए तो काला धब्बा है, जिस तरह से कोर्ट काला है वैसे ये धब्बा भी बिल्कुल काला है, कि हमारी जुडिशरी आज भी उसी परंपरा, उसी गुलामी के तंबे को अपने माथे पर चिपका कर घूम रही है। कहने के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पर लिटरली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी अपने मुंह पर वो कालिक पोत कर बैठे हैं कि वो भारतीय भाषाओं को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं लिटरली बता रहा हूं आप अपना केस भी नहीं लड़ पाओगे। ये सच्चाई है, आम आदमी तो अपने अधिकारों की बात लेकर पहुंच ही नहीं पाता, लोकल कोर्ट्स तक बात रह जाती है, हाई कोर्ट्स तक बात रह जाती है, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकता भाई। आप सोचो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंचे, नहीं पहुंच सकती, आपको अंग्रेजी नहीं आती। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये इतने बड़े अंग्रेज भक्त हैं कि हद पार है उनकी, कि अंग्रेजी भाषा हटा ही नहीं पाते, उनको लगता है इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर इंडियंस,
कॉल्ड पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं ये लोग, जो अपने माथे से गुलामी का ये जो एक होता है ना वो हटा ही नहीं सकते। लिटरली बहुत शर्म की बात है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज दी जाती है वहां पर, प्रॉपर इंटरप्रेट जो आपके वो ट्रांसलेटर्स और ये सब होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर सैलरी सारी चीजें जाती हैं, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, उसके बावजूद भी वो लोग केसेस देते ही नहीं है। शर्म की बात है ये सुप्रीम कोर्ट की लिटरली। फिर खैर यहाँ पे आता है क्या, स्पेशल डायरेक्शन आती हैं, ठीक है, कहां से कहां तक, आर्टिकल 350 से लेकर 351 तक आती है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर कौन सा पार्ट 18, 18 की बात की जाए तो यहाँ पे आता है क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट के थ्रू लीड की जाते हैं ये, ठीक है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 आपको पता है, तीन यहाँ पे आर्टिकल आते हैं मेन मेन, 352 आता है, ठीक है, 356 आता है, और उसके बाद 360 आता है, तो ये तो आपको पता ही है नेशनल इमरजेंसी। तो ये स्टेट में लगने वाली स्टेट इमरजेंसी, और ये हो गई आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक एक बार भी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी सबसे लंबे टाइम तक पंजाब और सबसे ज्यादा केरल, ठीक है। क्लियर फैक्ट देखो यहीं पे क्लियर कर दिया मैंने, फैक्ट सारे बता दिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स कहाँ पे आ रहा है, 9th में आ रहा है, ठीक है। मिसलेनियस सब्जेक्ट्स कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, आर्टिकल 351 से लेकर, सॉरी 361 से लेकर 367 तक दे रखे हैं, क्लियर, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पे आता है अमेंडमेंट पार्ट 20। पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात की जा रही है, आर्टिकल 368 आपको पता है साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, अमेंडमेंट किस तरह से संविधान में बदलाव किया जा सकता है, कहां पे बदलाव किया जा सकता है, ये सारी चीजें यहां पे आती है, अमेंडमेंट क्या क्या तरीका होगा, ये सारी चीजें यहां पे दे रखी है। फिर यहां पे आता है कौन सा हमारा 21st, 21st की यहां पे बात की जाए, टेम्परेरी ट्रांजेक्शनल एंड स्पेशल प्रोविजंस कहां से कहां तक दे रखे हैं, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक दे रखे हैं, इसी में आपका आर्टिकल 70 भी आया था, यहीं पर आपके स्टेट्स को जो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, कई स्टेट्स को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो इसी के अंतर्गत किया जाता है, क्लियर। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर वाला था वो भी यहीं से आता है, मणिपुर को, मिजोरम को, ट्राइबल एरियाज को, उनको कैसे कैसे अलग अलग राइट्स दे रखे हैं, क्या अलग अलग पावर दे रखी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अभी मणिपुर वाला जो इंसिडेंट है उसको आप लोग समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है पार्ट 22। पार्ट 22 की बात की जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, ठीक है, कॉमर्समेंट अथॉरिटी टेक्स्ट हिंदी एंड रिपेल। रिपेल किसको किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपेल किया गया था, हिंदी को अथॉरिटी लैंग्वेज डिसाइड किया गया था, शॉर्ट टाइटल दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सारी बातें कहाँ पे आती हैं, आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक आती हैं। आई होप यहाँ पे बात समझ में आ गई आप लोगों को, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा, मैं कमेंट पर ही आप लोगों को जवाब दे दूंगा। कमेंट मतलब ये जो लाइव कमेंट होता है वो नहीं, जो प्रॉपर वीडियो का कमेंट होता है वहां पे आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं आपको वहां पे प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पाऊं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा आप लोगों का, सारी चीजें इजिली आपके माइंड में दिलो दिमाग में बैठ गई होंगी अच्छे से। वीडियो पसंद आया है, देखो भाई मेहनत, हमारी मेहनत तब सफल होगी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और आप लोगों का सिलेक्शन तभी होगा जब आप इस क्लास को अच्छे से देखोगे, समझोगे, बार बार वीडियो को देखो, बार बार चीजों को याद करो, नोट्स बना लो एटलीस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करो, कोई इंफॉर्मेशन रह गई है, कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी किताब में अलग से लिखी हुई मिल रही है तो उस इंफॉर्मेशन को उठाओ और अपने पास लिख लो वहां पर, ताकि आप मैक्सिमम नॉलेज के साथ यहां पर क्या कर सको, एग्जाम में उतर सको। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का चैप्टर, आज की क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज अगर पसंद आई है तो हो सके तो प्लीज वीडियो को के साथ जुड़ो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, और प्लीज अपना फीडबैक दो कमेंट में जाकर। एंड एक सोशल मैसेज जो मैं हमेशा देता हूँ, प्लीज गर्मियों में हमको याद आता है पानी बचाने का, पर प्लीज पानी और पेड़ दोनों को बचाओ, साथ साथ इस मिट्टी को भी बचाओ, मिट्टी में घुलने वाले केमिकल्स कहीं ना कहीं इस मिट्टी को बर्बाद करते हैं, मिट्टी नहीं होगी तो ना पानी होगा ना पेड़ होंगे, तो प्लीज अपने देश को इस तरह से सुरक्षित रखिए, भले ही वर्दी ना पहनी हो उसके बावजूद भी आप एक सिपाही की तरह इस देश की सेवा कर सकते हैं, एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह इस देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है।
जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपको देखना है कि आपको किस तरह से देश सेवा करनी है। सिलेक्शन तो होगा ही होगा जब आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा देश सेवा का। तो फिलहाल अभी इस खूबसूरत मैसेज के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।